नमस्कार, हम अपने आर्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस सप्ताह आर्ट क्लास में महिलाओं के लिए कुकिंग क्लास लेंगे, जिसमें कोचई पत्ता से इड़हर बनाना बताएंगे। यह इड़हर की कढ़ी हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बनाया जाता है। जैसा कि अभी सामने तीज व्रत आने वाला है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में तीज व्रत के दूसरे दिन जब महिलाएं व्रत खोलती हैं, तो अक्सर चतुर्थी के दिन फलाहार के बाद भोजन में यह इड़हर की कढ़ी बनाना और खाना पसंद करते हैं। आज इसको 7 लोगों के लिए बनाएंगे। यह सामग्री 7 लोगों के लिए है, जो आप लोगों को बताते हैं, आप लोग नोट करते जाइए। इसके लिए सामग्री जो लगेगी, कोचई पत्ता लगभग 7 से 9 लगेगा, मीठा नीम का पत्ता, हरी मिर्च, यह सब सामग्री हम अपने ही बगीचे से आप लोगों से तोड़वाएंगे, एकदम फ्रेश। उड़द दाल छिलके वाली लेंगे। इस इड़हर को छिलके वाली उड़द दाल से बनाएंगे, जिसमें स्वाद ज्यादा आता है। और आधा किलो दही, अजवाइन 1 चम्मच, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर स्वाद अनुसार लेंगे, और लगभग 1 पाव तेल लगेगा इसको बनाने में। इस इड़हर की सब्जी को भी बनाना हम अपनी सासू माँ से ही सीखे हैं। तो चलिए, आप लोग सबसे पहले हमारे बगीचे से कोचई पत्ता, मीठा नीम और हरी मिर्च तोड़ करके ले आइए। इस उड़द दाल को धोने के बाद सील बट्टे में ही पिसवाएंगे। सील में पीसने से सब्जी में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, तो इसको आप लोग सील में ही पीसेंगे। तो चलिए, आप लोग पत्ता वगैरह काटने के बाद इसको धो के सील में पीसेंगे। बाकी की सामग्री जो इसमें लगेगी, वो सब आपको रसोई में दिखाएंगे। चलिए देखिए, आप लोग को एक चीज बताए, इस दाल को रात में ही भिगा के रख लिए हैं। यह रात भर भीगा है, तो इसका छिलका अच्छे से निकल आएगा। चलिए, ये हमारी बगिया का है कोचई पत्ता। ये हम अपने बगीचे में रसोई कई खाद डालते हैं, ऑर्गेनिक खाद जो रसोई से निकलता है उसे ही डालते हैं। ये मिर्च सब्जी में डालेंगे, हमारे बगीचे का है। यह भी अपने बगीचे का है। हम अपने बगीचे में रसोई से जो भी खाद निकलता है उसी को ही डालते हैं। पूरे बगीचे में नेचुरल खाद ही डालते हैं। ये उड़द की दाल है, आधा किलो दाल इसमें लगेगा। ये छिलके वाली दाल से ही स्वाद अच्छा आता है, इसको छिलके वाली दाल से ही बनाएंगे। अच्छे से इसको धो लीजिए। पैन हो गया? हाँ, उसको छिलका को अलग कर दीजिए, छिलका को अलग करना है। ये इड़हर सब्जी सिलबट्टे के दाल में स्वादिष्ट बनती है। मैडम, इतना चिकना ठीक है? हाँ ठीक है। देखिए, यह दाल पिसा गया है। अब इसमें ये 1 स्टील चम्मच के बराबर नमक डालेंगे, और थोड़ी सी आधा चम्मच हल्दी, और
धनिया पाउडर डालेंगे, बस इसमें मिर्च नहीं डालना है। और इसको आप अच्छे से मिला लेंगे इसको। इसमें सिर्फ नमक, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डाले हैं। ये देखिए इसको मिला लिए अच्छे से। और अब इसको चाय पत्ता को धो लिए हैं। धोने के बाद इसको इसके ऊपर इस प्रकार बिछाना है, सीधा तरफ नीचे रखना और लेप करेंगे इसके ऊपर। पूरे पत्ते में लेप कर देंगे। ये देखिए अब पहले वाले पत्ते में पूरा लेप हो गया है। अब दूसरे पत्ते में करेंगे बराबर से बिछा के। बहुत ही इसको सधे हाथों से करना है, नहीं तो पत्तियां फट जाती हैं। इसी प्रकार पूरे तीन पत्ते बिछाएंगे। इसका रोल जो बनेगा, तीन रोल बनाएंगे, सात लोगों के लिए तीन रोल की सब्जी काफी है। ये देखिए ये तीन पत्ता रखे हैं, एक दो और तीन। अब इसको इस प्रकार रोल करेंगे। रोल करते समय हल्के हाथों से, ज्यादा दबाव नहीं डालना है। इस प्रकार रोल करेंगे। और यह जो बचा है इसे दोनों तरफ साइड में लगाएंगे, ताकि ये जब भाप के रखें भाप में तो यह खुले मत। इस प्रकार और थाली में हल्के से तेल लगा लिए हैं, इसके ऊपर इसको रखेंगे और पहले इसको भाप में पकाएंगे। इस पेस्ट को दोनों तरफ लगा के इसको ऐसे बंद कर देना है। ये देखिए इस प्रकार इसको बंद कर दिए। अब इसको थाल के ऊपर रखेंगे, इसमें तेल लगा है, और भाप में इसको आधा घंटा के लिए पकाएंगे। देखिए जब तक यह उबल रहा है तब तक इसकी उबलते तक दही को अच्छे से मथ लेते हैं। और जब भी आप बनाएं तो उड़द दाल को भिंगाने से पहले अच्छे से कंकड़ पत्थर उसमें से साफ कर लीजिए। आप लोग अच्छे से कंकड़ पत्थर साफ करके भिगाएंगे, नहीं तो खाते समय मुंह में लग सकता है। इसके उबलते तक बाकी तैयारी कर लेंगे, जैसे दही को मस लेते हैं और जो जो तैयारी है वो सब कर लेते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग देखो, यह स्टीम हो गया है। इसको कभी भी भाप से उतारने के बाद तुरंत कटिंग नहीं करना है, तुरंत काटने से यह खुल खुल जाता है। इसको भाप से उतारने के बाद 10 या 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखें, उसके बाद ही इसको काटना है। अब इसको फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के लिए सरसों का तेल डाले हैं, यह तेल 4 चम्मच इसमें सरसों का तेल डाले हैं। और इसमें 1 चुटकी अजवाइन डालेंगे। 1 चुटकी अजवाइन डालेंगे।
अजवाइन ब्राउन हो जाए उसके बाद इसको डाल के इसको डीप फ्राई करेंगे। देखिए अजवाइन अब ब्राउन हो गया है, अब इसको डालेंगे और डीप फ्राई करेंगे। इसको इस पीस को फ्राई कर देने से खाते समय गले में बिल्कुल भी खुजलाहट नहीं होता है, कुछ ही पत्ता है तो बिल्कुल भी खुजलाने का गले में डर नहीं रहता। इसको ब्राउन फ्राई कर देंगे। तो अजवाइन इसीलिए डालते हैं इसमें, हमारी सासू माँ बोलती थी अजवाइन डाल देने से खट्टा सब्जी खाने पर भी सर्दी खांसी होने का डर नहीं रहता है, इसीलिए जब भी वो हमसे सब्जी बनवाती अजवाइन जरूर डलवाती थी और स्वाद भी इसका बेस्ट आता है। इसको 5 मिनट बाद ऐसे पलट के इसको दोनों तरफ से फ्राई करेंगे ब्राउन होते तक से। देखिए इसको सरसों तेल में बना रहे हैं, इस चम्मच से 4 चम्मच तेल डाले थे। डीप फ्राई होने के बाद जो तेल बचा है उसी में आप सब्जी बनाएंगे उसी तेल में। छौंक लगाने के लिए 1 चम्मच अजवाइन फिर डालेंगे, पहले 1 चम्मच डाले थे 1 चम्मच फिर डालेंगे, और यह मीठा नीम का पत्ता तो धो के रखे थे अपने ही बगीचे का है, फिर भी इसको धो लिए थे। इसमें हरी मिर्च डालेंगे, देखिए ब्राउन हो गया मीठा नीम का पत्ता अजवाइन सभी कुछ ब्राउन है। 1 चम्मच हल्दी और 1 मिर्ची अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। कभी भी कढ़ी बनाइए नमक को पहले नहीं डालना है, नमक को दही डालने के बाद ही डालना चाहिए। अब इसमें ब्राउन होने के बाद दही डालेंगे, अच्छे से मिर्च और हल्दी भून जाए उसके बाद दही डालने के बाद नमक डालेंगे, सेंधा नमक है सेंधा नमक को ही डालेंगे। देखिए सब ब्राउन हो गया, अब इसमें दही डालेंगे, इसको धो करके थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखिए इसमें उबाल आ गया है, उबाल आने के बाद अब इसमें नमक डालें, ये सेंधा नमक है। अब इसमें ये जो पीस फ्राई किए हैं इसको एक एक पीस करके इसमें डाल देंगे। तीज के दूसरे दिन आप लोग भी बनाइए यह सब्जी, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और तीज व्रत के दूसरे दिन इसको खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है व्रत के दूसरे दिन। इसको 10 मिनट के लिए ढक करके पकने देंगे, 10 मिनट यह ढक करके पकाएंगे। देखिए यह सब्जी अब पूरी तरह पक चुका है खाने के लिए। पहले गैस बंद करेंगे, गैस बंद करने के बाद ये देखिए यह सब्जी 7 लोगों के लिए काफी है,
और इसे लगभग 20 मिनट 15 से 20 मिनट के बीच पकाना है इसको। देखिए हमारा यह इड़हर की सब्जी जो कोचई पत्ता से बना है बन चुका है। आज की क्लास में यही डिश बनाना बताए हैं, कल दूसरा बताएंगे। तो आप लोग भी इस सब्जी को बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है, बनाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा देख करके लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। आप लोगों को एक बात तो बता दें, हम अपने बगीचे में कभी भी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते। हमारी रसोई से जो भी सब्जी फलों का जो वेस्ट छिलका वगैरह निकलता है, चाय पत्ती की पानी, दाल का पानी, चावल का पानी, उसी को ही हम अपने बगीचे में हमेशा डालते हैं। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।